हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या है कि गोलीय दर्पण के सामने जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो एक तो हमारे पास में वस्तु की दूरी होगी, दूसरा क्या होगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की दूरी को, राइट। तो वस्तु की दूरी को हम कहाँ से मापेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को, मतलब बिंब की दूरी को कहाँ से मापेंगे और प्रतिबिंब की दूरी को कहाँ से मापेंगे। अब जो दूसरी बात और क्या आती है कि वस्तु, मान लो वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई है, उसका प्रतिबिंब नीचे बनता है या फिर ऊपर बनता है, तो कौन सी ऊंचाई को हम पॉजिटिव लेंगे, कौन सी ऊंचाई को नेगेटिव लेंगे, इनके लिए हमने क्या कर रखा है, एक चिन्ह परिपाटी बना रखी है और वो सभी के लिए बराबर रूप से लागू होती है। तो वो चिन्ह परिपाटी क्या है, देखो चिन्ह परिपाटी को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लो ये हमारे पास में दर्पण है, ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। कोई भी दर्पण हो, मैं हम उदाहरण के लिए समझने के लिए यहाँ पर अवतल दर्पण ले रहा हूँ मैं। ये क्या है दर्पण का पोल, जिसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो हमने नियम क्या बना रखा है कि जो दर्पण का जो ध्रुव है ना, उसको हम क्या लेंगे, मूल बिंदु लेते हैं। दर्पण के ध्रुव को क्या लेना है हमें, मूल बिंदु। इसका मतलब जितनी भी हमें दूरी मापनी है वो कहाँ से मापनी है, दर्पण के ध्रुव से मापनी है, राइट। पहली बात याद कर लो, जितनी भी दूरी हमें मापनी है वो दर्पण के ध्रुव से मापनी है, राइट। दूसरी बात क्या है, दूसरी जो बात है वो क्या है, वस्तु को या बिंब को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। ये दर्पण है तो वस्तु किधर रखी जाएगी, दर्पण के बाईं ओर, राइट। बिंब दर्पण के बाईं ओर होगा। अब प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसकी बात करेंगे। देखो यदि प्रतिबिंब हम ये कह दें कि प्रतिबिंब लेफ्ट में बनता है, इसको मैंने नाम दे दिया ए डैश बी डैश, या मान लो राइट में बनता है ए डैश बी डैश, ठीक है भाई। तो अब देखो हमारे पास में जो स्टैंडर्ड है, तीन चीज़ें क्या क्या हैं, तीन चीज़ें हमारे पास में जो स्टैंडर्ड होती हैं वो होती हैं यू वी और एफ। यू का मतलब होता है बिंब की दूरी, V का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, और F होता है फोकस दूरी। U बिंब की दूरी, V क्या है प्रतिबिंब की दूरी, और F क्या होता है फोकस दूरी। अब देखो हमने जो साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी क्या ले रखी है, वो दूरी जो हम ध्रुव से बाईं ओर मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर मापी जाने वाली दूरी को हम क्या लेंगे, ऋणात्मक। दाईं ओर जो दूरी मापी जाती है उनको हम क्या लेते हैं, धनात्मक। ऊपर की ओर जो दूरी मापेंगे उनको धनात्मक, नीचे की ओर जो दूरी मापेंगे उनको ऋणात्मक। तो हमारे पास में यदि हम ये चार चीज़ें समझ लेते हैं कि इसको तो क्या लेना है हमें, मूल बिंदु, जो दूरी मूल बिंदु से दाईं तरफ मापी जाएंगी, ये कहते हैं कि दाईं तरफ जो भी दूरी हम मापेंगे उनको क्या लेना है हमें, धनात्मक लेना है। इधर जो दूरी मापेंगे उनको क्या लेना है हमें, ऋणात्मक लेना है। बाईं ओर जो भी हम दूरी मापेंगे, बाईं ओर मापी गई दूरी क्या होंगे, ऋणात्मक, राइट। और ये कहते हैं कि ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जो दूरी मापेंगे उनको धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जो दूरी मापेंगे उनको हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। अगर हम ये चार चीज़ें समझ लेते हैं तो हमारे लिए जो साइन कन्वेंशन है, चिन्ह परिपाटी है, बहुत आसान हो गई। देखो अब हमने एक चीज़ क्या फिक्स कर रखी है कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखना, बिंब को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रख दो, फिर ये चार नियम लगा लो, चिन्ह परिपाटी हमारे बहुत ईजी हो गई। अगर हम यहाँ पर चिन्ह परिपाटी से दूरियों को मापें तो देखो यहाँ पर मान लो यहाँ वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु की दूरी को हम क्या लिखेंगे, पी से बी, वस्तु की दूरी को क्या लिखा जाएगा, पी बी, क्योंकि दूरी हमें कहाँ से मापनी है, ध्रुव से मापना शुरू करनी है, तो वस्तु की दूरी पी से बी की तरफ, ये क्या हो गई, वस्तु की दूरी पी बी। और वस्तु की दूरी को हम किससे लिखते हैं, यू के द्वारा। अब साइन कन्वेंशन लगाओगे, चिन्ह परिपाटी लगाओगे, तो ये दूरी किधर मापी हमने, बाईं ओर, क्या बन जाएगी, माइनस यू, नेगेटिव बन गई। अगर मान लो वस्तु इस ए बी का प्रतिबिंब यहाँ बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाएगी, अब प्रतिबिंब की दूरी, अगर प्रतिबिंब यहाँ बनता है तो क्या लिखेंगे, पी बी डैश, प्रतिबिंब की दूरी बराबर पी बी डैश, किधर मापी जा रही है, दाईं तरफ, दाईं तरफ मापने का मतलब क्या लिखेंगे इसको, प्लस का
वी, या सो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी, यदि प्रतिबिंब यहाँ बना तो क्या लिखेंगे इसको, पी बी डैश, ना कि बी डैश पी नहीं लिखा जाएगा, इसको याद कर लेना भाई। एग्जैक्ट क्या है, पी बी डैश, दिस इज द राइट नोटेशन, ये है इसको लिखने का तरीका। बी डैश पी नहीं लिखेंगे क्योंकि दूरी हमें कहाँ से मापनी है, ध्रुव से मापी जाती है, जितनी भी दूरी हम मापेंगे सारी सारी कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे, ये याद कर लेना, पी से मापनी है, राइट। अब जो हमारे पास में रह गया, बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब हमने ये निश्चित कर दिया कि बिंब को ऊपर की तरफ रखना है, तो हमारे पास में एक चीज़ आसान हो गई कि बिंब की ऊंचाई को हमें क्या लेना है, धनात्मक लेना है। मान लो ये बिंब है मेरे पास में, ए बी, ये बिंब है, इसकी ऊंचाई को मैं h1 मान लेता हूँ, तो बिंब की ऊंचाई ए बी बराबर h1 क्या हो गई, अपने आप ही धनात्मक हो गई, राइट, ये फिक्स हो गया। बिंब को हम कैसे रखते हैं, मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर की तरफ रख दिया, जैसे हमने दो चीज़ें कर रखी थी कि वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखना है, और दूसरी चीज़ क्या कर दी, मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर की तरफ यूँ रखना है। तो हमारे पास में वस्तु की जो ऊंचाई है तो फिक्स हो गई, क्या लेना है इसको, हमें पॉजिटिव लेना है। अब यदि इसका प्रतिबिंब मान लो ये बनता है, यदि ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना, तो कहाँ बना, ये मुख्य अक्ष के लंबवत और नीचे की तरफ, तो इस ऊंचाई को हम क्या नाम देंगे, -H2। प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या नाम देते हैं, H2। यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू -H2। यदि यहाँ बात करते हैं, यदि प्रतिबिंब मान लो यहाँ ना बन के यहाँ बनता है, तो इसको क्या लेंगे, ऊपर की तरफ है, इसको फिर से क्या मान लेंगे, प्लस का मान लेंगे। ये है हमारे पास में गोली दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। सो सिंपली आपको क्या समझना है, जो दूरी पोल से दाईं तरफ मापी जाएगी उसको पॉजिटिव लेंगे, पोल से मेरे बाएं हाथ की तरफ मापी जाएंगी, नेगेटिव एक्स की तरफ मापी जाएंगी, उनको नेगेटिव लेना है। जो दूरी ऊपर की तरफ मापी जाएंगी मतलब पॉजिटिव वाई की तरफ मापी जाएंगी, उनको पॉजिटिव लेना है। जो दूरी नेगेटिव वाई की तरफ मापी जाएंगी उनको नेगेटिव लेना है। ये था हमारे पास में चिन्ह परिपाटी। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।